स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताऊंगी जिससे आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। तो बात ये है कि ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर की कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है। और आपको पता है कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। जो रिमेनिंग 30% रह जाता है उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप अपना शुगर लेवल चेक कराते हो, समटाइम शुगर लेवल हाई होता है, समटाइम लो, लेकिन हमारे बॉडी में ब्लड में एक प्रॉपर शुगर का लेवल होता है, ठीक है। शुगर हो गया, ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट एक्ट एज अ सोल्यूट। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड दीज आर एलिमेंट एक्ट एज अ सोल्यूट। सो डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी में इन तमाम एलिमेंट्स की, इन तमाम कंपाउंड्स की एक खास कंसंट्रेशन है। और हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी इन तमाम एलिमेंट्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में समटाइम चेंज आते हैं जो कि इन तमाम एलिमेंट्स को विद इन द बॉडी जो हमारे हैं उसको अफेक्ट करते हैं, हमारे सेल को अफेक्ट करते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा बॉडी मेंटेन करने की जो कोशिश करता है उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। जब हमारा बॉडी सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है, दिस टर्म इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में किडनी एक मेन ऑर्गन है जो कि ओस्मो रेगुलेशन करती है। इसके अलावा प्लांट्स में स्टोमेटा रूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का फ़ायदा क्या होता है? तो ओस्मो रेगुलेशन का ये फ़ायदा है कि हमारी बॉडी में अगर तमाम एलिमेंट्स एक प्रॉपर वैल्यू में रहेंगे तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। अगर ये एलिमेंट हमारे बॉडी में प्रॉपर वैल्यू में नहीं है तो हमारा बॉडी हेल्दी नहीं रहा। एग्जाम्पल में आ जाता है कि अगर हमें वाटर ना मिले, ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी सम टाइम डेथ के भी चांस होते हैं। अगर हमें आयरन की शॉर्टेज हो तो हमारे में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। इन द सेम वे अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम हो जाए, ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओस्मो रेगुलेशन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए होती है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन मेंटेन रहे और हमारा बॉडी हेल्दी रहे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की। ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन में सेल है। हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको सोडियम पोटाशियम बहुत कम मिलेंगे लेकिन आपको वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिलेगा। सेल है उसमें वाटर की क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, वाटर डिफ्यूज़ होगा हाई से लो की तरफ, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट सेल में जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, स्वेल कर जाता है। सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन विच हैज़ अ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, के जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट आपको कम मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ये ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, मोर। हाइपर जब हमें गुस्सा आता है, हाइपर मीन मोर। टोनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, यानी कि हमें बाहर सोडियम पोटाशियम आयरन ये सारे एलिमेंट बाहर ज़्यादा हैं। तो जो सेल है उसमें मतलब क्या ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो वो देखेगा बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वाटर अंदर उसे अवेलेबल ज़्यादा मिलेगा। आप एक बात याद रखो कि इन तीनों में आप जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि वाटर डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर हाई से लो में आए, यानी कि इनसाइड द सेल आया, यहाँ पे वाटर इनसाइड द सेल
ज्यादा था, आउटसाइड द सेल वाटर कम था, वाटर बाहर रिलीज हुआ, एज अ रिजल्ट सेल श्रिंक हुआ, तो श्रंकन सेल हमें मिला। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच हैज हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। एंड लास्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो दोनों तरफ बराबर है। इसी वजह से जितना वाटर बाहर की तरफ रिलीज होता है उतना ही वाटर दोबारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इंटर हो जाता है, तो कोई नेट लॉस नहीं होता वाटर का, एज अ रिजल्ट जो सेल है वो नॉर्मल रहता है। सो ये है तीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपको मिलेंगे, ठीक है। एक सेल उनको फेस करेगा, उनके खिलाफ सेल खुद को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एक बात याद रखना कि ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिर्फ लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखना, यही ठीक डेफिनेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगी, वो होगी हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट एंड ज़ीरोफाइट की। सो स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।